Today I will speak on speed in boxing. No doubt, if you look at the speed, अगर स्पीड के बारे में या गति के बारे में या तेजी के बारे में बात करें, हिंदुस्तान के अंदर सब जगह फॉलो होती है. बट वेन वी लुक एट, जब हम देखते हैं अबाउट द रिटन मटेरियल इन स्पीड अप टू नाउ, नॉट ओनली इन इंडिया, एट द वर्ल्ड लेवल इज मोस्टली फॉलोड फ्रॉम स्विमिंग एंड एथलेट्स. जितना भी ज्यादा स्पीड के बारे में रिसर्च वर्क हुआ है दुनिया भर में, वो सारे का सारा सिर्फ स्विमिंग और एथलेट्स के ऊपर हुआ है. बट देयर इज ए लोकोमोटिव स्पीड, और उनका ये मानना भी अभी स्पीड को बहुत कम हद तक हम इम्प्रूव कर सकते हैं. दे से स्पीड कैन बी इम्प्रूव्ड एट इनटू वेरी लिमिटेड एक्सटेंट. बट वेन वी लुक इनटू द बॉक्सिंग फील्ड, जब हम बॉक्सिंग फील्ड की बात करते हैं, अगर उन सभी फैक्टर्स को हम मद्देनजर रखें, तो बॉक्सिंग के अंदर स्पीड को इम्प्रूव करने के बहुत बहुत ही ज्यादा चांसेज हैं. जैसे जैसे आप अपने बॉक्सर को डेवलप करते जाते हैं टेक्निकली, टैक्टिकली, और उसकी जो दूसरे पैरामीटर ध्यान में रखते हुए उसकी डेवलपमेंट करते हैं, तो मेरा ये मानना है और बहुत सारे कोच जिनके साथ भी डिस्कस करते हैं, भी ट्रमेंडेड स्पीड कैन बी इम्प्रूव्ड इन द बॉक्सिंग. व्हाट इफ वी गो ऑन द करेक्ट वे. जैसे हम किसी भी शहर में जाना चाहते हैं, वी हैव द वेरियस मींस. नाउ वी वांट टू गो टू दिल्ली, कोई कार में जाना चाहता है, कोई एरोप्लेन में जाना चाहता है, कोई अपनी लेके जाना चाहता है प्राइवेट टैक्सी, कोई गाड़ी में. मीन देयर आर वेज, एवरीबॉडी रीच द डेस्टिनेशन. हर आदमी अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है. बट द बेस्ट थिंग हाउ यू टेक इट. सो नाउ टुडे वी विल डिस्कस द स्पीड इन बॉक्सिंग फ्रॉम ऑल दीज एंगल्स. फर्स्ट वी विल लुक एट द जनरल एंड देन वी विल गो स्पेसिफिकली. बट नाउ जनरल डेफिनेशन, व्हाट दे से, व्हाट इज स्पीड, टू कवर द डिस्टेंस इन मिनिमम पॉसिबल टाइम. जब हम किसी भी दिए गए फासले को कम से कम टाइम के अंदर वो दूरी को पूरा करते हैं, उसको वो स्पीड मानते हैं. नाउ दिस इज अ वेरी जनरल डेफिनेशन है. इसके अंदर कोई आपका ऑब्जेक्टिव एम क्या उद्देश्य था, क्या निशाना था, वो उसके अंदर एलैबोरेट नहीं किया हो. नाउ व्हेन वी गो टू द सेकंड डेफिनेशन, स्पीड इज द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट मोटर एक्शन अंडर गिवन कंडीशन इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम. नाउ दे हैव एलैबोरेटेड इट लिटिल मोर. गिवन मोटर एक्शन, जैसे एथलेट्स के अंदर रनिंग के है, जिम्नास्टिक के अंदर जिम्नास्टिक के है, बॉक्सिंग के अंदर वी हैव अवर ओन एक्शन, फुटबॉल के अंदर उनके है, उस टाइम के अंदर उसको कम से कम समय लेते हुए कैसा पूरा करते हैं. बट हियर ऑल्सो अगर हम इस डेफिनेशन को भी देखते हैं, इट इज नॉट दैट मीनिंगफुल विच वी वॉन्टेड. बट वेन वी गो टू द थर्ड वन, एबिलिटी टू एग्जीक्यूट एनी मोटर मूवमेंट मीनिंगफुली और पर्पजफुली. जब हम उस मूवमेंट को मीनिंगफुली, उसका रिजल्ट चाहते हैं दूसरे से अच्छा, या पर्पजफुली किसी काम को सिद्ध होने के लिए या सक्सेसफुली करने के लिए उसको कम से कम समय लेते हुए करते हैं, दैट इज द करेक्ट डेफिनेशन. नाउ व्हेन वी गो लिटिल मोर फर्दर, स्पीड इज द कंडीशनल एबिलिटी. ये कौन सी है? इट इज वन ऑफ द कंडीशनल एबिलिटी जो एक स्पोर्ट्समैन बनने के लिए, चाहे स्ट्रेंथ है, चाहे एंड्योरेंस है, चाहे स्पीड है, उन एबिलिटीज के अंदर एक है, विच जनरेट्स बॉडी मूवमेंट्स. जिसके अंदर क्या करते हैं, हम बॉडी की मूवमेंट्स को ज्यादा से ज्यादा पहले एक मूवमेंट से शुरू करते हैं और ज्यादा मूवमेंट के साथ अंडर द गिवन कंडीशन उस काम को ज्यादा मूवमेंट के अंदर करने की कोशिश करते हैं इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, कम से कम समय लेते हुए. इसके अंदर अगर देखें तो दो चीजों को उन्होंने दे हैव एक्सप्लेन. वन इज सिंगल मूवमेंट, पहले जब आप शुरू करते हैं, देन द कैपेसिटी टू मूव एट द हाईएस्ट पॉसिबल वेलोसिटीज. आप उस मूवमेंट से शुरू करते हुए जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस होते जा रहे हैं, अपनी इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी, अगर पहले 60 किलोमीटर से जा रहे थे 70, 80 और 90, किस तरीके से उस जो डिस्टेंस है उसको अचीव करते हैं. जब हम इन दोनों चीजों को देखते हैं इन एथलेट्स एंड स्विमिंग, इट इज वेरी मच पॉसिबल. मगर वहां पे भी जब कई चीजों के ऊपर बोलते हैं, जब वो बोलते हैं जेनेटिक है या इट इज डिपेंडिंग ऑन द मसल फाइबर, चाहे वो स्लो ट्विच की बात करते हैं, चाहे फास्ट ट्विच की बात करते हैं. दुनिया के अंदर दो इवेंट को सबसे ज्यादा फास्ट माना जाता है. वन इज 100 मीटर फ्लैट, विच इज
Olympic event and the other is swimming 50 meter freestyle. अगर इन दोनों को देखते हैं अभी तक दुनिया के अंदर जितने भी ओलंपिक या वर्ल्ड चैंपियनशिप हुए हैं उसके अंदर एक ही व्हाइट मैन ने जो 100 मीटर जीती है. अगर इसके उल्टा हम जाते हैं स्विमिंग के अंदर एक ही ब्लैक 50 मीटर स्विमिंग को फ्री स्टाइल के अंदर जीत सका है. दिस मीन इट इज ट्रेनेबल. हाउ मेनी एफर्ट यू आर पुटिंग देन अकॉर्डिंग टू दैट इट कैन बी अचीव्ड. नाउ व्हाट दे से जो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर ये स्पीड डिपेंड करती है. मोबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम. फर्स्ट वन इज मोबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम. एक्सप्रेसिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेचेबिलिटी, इलास्टिसिटी एंड रिकवरी ऑफ द मसल्स. क्वालिटी ऑफ द टेक्निक्स. एनर्जी स्टोर्स, विल पावर, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज. नाउ आई विल गो वन बाय वन ऑन ऑल दीज फैक्टर्स लिटिल मोर इन डिटेल. Now they say speed is a reaction to something. आपको सिग्नल आया, आपने दौड़ना है, आप रिंग के अंदर लड़ रहे हैं, अपने ओपोनेंट के साथ कोई ओपनिंग दिखी उसको पंच मारना है और अगर उसका पंच आ रहा है उसको डिफेंड करना है. मीन यू हैव टू नो डाउन. जितना जल्दी आप उस चीज को नोट करते हैं दिस प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम योर नर्वस सिस्टम. अगर जो भी आपने रिएक्शन करना है जितना जल्दी आप उसको नोट कर लेते हैं उतना जल्दी डिसीजन आएगा एंड करेक्ट डिसीजन इज वेरी मच टेकन इन द माइंड. वहां से वर्किंग मसल को कमांड आती है. जितनी कमांड स्ट्रांग होगी उतना ही आपका जो स्पीड का जो रिएक्शन है वो फास्ट होगा. एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ. बॉक्सिंग के अंदर जो हमारी चाहे पंचिंग स्ट्रेंथ है, चाहे पावर एंड्योरेंस है, चाहे स्ट्रेंथ एंड्योरेंस है, वो सभी की सभी आपकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करती है. देन थर्डली जो मसल है, जब आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं आपकी कितनी जल्दी वो उनकी स्ट्रेचेबिलिटी, इलास्टिसिटी एंड रिकवरी, कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जितनी ज्यादा उनकी स्ट्रेचेबिलिटी, इलास्टिसिटी और एबिलिटी टू रिलैक्स होगी उतना ही आपकी मूवमेंट फास्ट होगी. देन क्वालिटी ऑफ द टेक्निक. ये बॉक्सिंग के अंदर एक बहुत बड़ा भंडार है. इट इज जस्ट लाइक हाउ मच यू वॉन्टेड टू इम्प्रूव इट यू कैन इम्प्रूव इट. क्वालिटी ऑफ द टेक्निक इज मोस्टली द बिगेस्ट फैक्टर वेयर वी कैन डेवलप अवर स्पीड ऑफ द पंच, स्पीड ऑफ द टेक्निकल एक्शन, स्पीड ऑफ द टेक्निकल एक्शन. देन एनर्जी स्टोर. बॉडी के अंदर चाहे जितने भी एनर्जी स्टोर हैं जितनी ज्यादा उसके अंदर क्वांटिटी होगी, बिकॉज समटाइम्स वी हैव टू गो फॉर एरोबिक एनारोबिक. आपके अंदर जितने भी जो एनर्जी के जो स्टोर हैं ज्यादा होंगे उतना ही आप जो स्पीड की एबिलिटीज को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सकें. देन विल पावर मीन अल्टीमेटली हियर कम द यूर विल. हाउ मच यू आर ईगर और हाउ मच यू हैव द पावर फ्रॉम यूर माइंड टू डू इट. जितना आपके दिल के अंदर उस चीज को करने की भावना ज्यादा स्ट्रांग हुई उतनी ही आपकी जो उस चीज की जो कर रहे हैं, चाहे डिफेंस कर रहे हैं चाहे ऑफेंस कर रहे हैं, स्पीड ज्यादा होगी. देन द नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज. जितने बॉक्सिंग के हम डेवलप कंट्रीज देखते हैं उनकी ट्रेनिंग के अंदर ये कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करती हैं. नो डाउट इन इंडिया ऑल्सो वी आर फॉलोइंग बट मेरा यहाँ पे मानना है अगर हम इनकी ट्रेनिंग के अंदर और थोड़ी सी डिग्री को ज्यादा बढ़ाए हमारे बॉक्सर्स का उतना ही उनके टेक्निकल और टेक्टिकल एक्शन के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट होगा. द फर्स्ट वन इज ओरिएंटेशन. जितना आप जिस दिन से एक बच्चा बॉक्सिंग शुरू करता है उस दिन से लेकर जैसे जैसे वो बॉक्सिंग के अंदर अपने आप को डेवलप करते जाता है उसकी पॉसिबिलिटीज है जो रिंग के अंदर किस प्रकार उसने इसको रिंग के अंदर एग्जीक्यूट करना है. जितना उसके बारे में ज्ञान देते जाएंगे उतना ही उसकी जो पंचिंग स्पीड है या डिफेंसिव एक्शन है उसकी क्वालिटी बेहतर होती जाएगी. डिफरेंशिएशन. बॉक्सिंग के अंदर डिफरेंशियल बहुत बहुत ही ज्यादा पार्ट अदा करता है. आपके पंचे डिफरेंट है, आपकी मूवमेंट्स डिफरेंट है, ओपोनेंट डिफरेंट है, उनके जो अटैक्स जितना जल्दी आप उन चीजों को पहचानते हैं व्हाट आर द डिफरेंसेस ऑन दोज मूवमेंट्स उतना ही जल्दी आप करेक्ट डिसीजन ले सकते हैं. सो दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी थ्रू विच वी कैन ट्रेन अवर बॉक्सर. रिएक्टिव. कोई भी कमांड होती है उसके ऊपर आप कितना रिएक्ट कर सकते हैं. इट इज ऑफ टू टाइप्स विच वी विल डिस्कस फर्दर मोर इन डिटेल.
अडाप्टेशन, जब आप बहुत के दौरान लड़ रहे होते हैं, आपको रिंग के अंदर यू हैव टू फेस मेनी सिचुएशन फ्रॉम इजियर टू डिफिकल्ट, फ्रॉम डिफिकल्ट टू द क्रिटिकल, आप उन सिचुएशन को कितना जल्दी अडॉप्टेट कर लेते हैं। पहले पंच इजी लगा था, बट पंच थोड़ा हार्ड लग गया, या पहले पंच थोड़ी ओपनिंग बेटर मिल रही थी उसको हम यूटिलाइज कर सकते थे, बट जैसे जैसे ओपोनेंट ने अपना गार्ड थोड़ा ज्यादा कर लिया तो हमारी जो स्कोरिंग एबिलिटी कम होगी। मीन अडॉप्टेड मीन जैसे जैसे सिचुएशन डिफिकल्ट होती जा रही है आपको उतना ही स्ट्रेस अपने माइंड के ऊपर डालना पड़ेगा उस चीज को अडॉप्ट करने के लिए। देन कपलिंग, जब कभी भी हम दो मूवमेंट को आपस में मिलाते हैं दैट इज कॉल्ड कपलिंग। कपलिंग हमारी जो मूवमेंट्स है, पहले तो बॉक्सर अपने पंचेस को, उन पंचेस को फीट मूवमेंट्स के साथ, देन पंच को ऑफेंस के साथ, ऑफेंस को डिफेंस के साथ, डिफेंस को काउंटर के साथ, या हम एक सिंपल भाषा में बोल सकते हैं जो कपलिंग में एक ऐसी एबिलिटी है जो बॉक्सर के साथ साथ हर बाउट के अंदर, हर ट्रेनिंग सेशन के अंदर चलती रहती है। जितना ज्यादा हम अपने बॉक्सर्स का कोऑर्डिनेशन डेवलप करेंगे थ्रू वेरियस टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस, उतनी ही ज्यादा उसकी जो कपलिंग एबिलिटी ज्यादा होगी और उतना ही वो अपने आप को ज्यादा ऑफेंसिव एक्शन के अंदर तैयार कर सकेगा, उतना ही ज्यादा उसके सक्सेसफुल डिफेंसिव एक्शन होंगे। देन बैलेंस इज की, बाउट के दौरान अपने आप को एक प्रॉपर बैलेंस के अंदर रखना एक बॉक्सर की बहुत बहुत ही बड़ी जो प्लस पॉइंट है। अगर आप सक्सेसफुली अपना बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं, बिकॉज इट इज द ओनली पोजीशन, ये सिर्फ वही पोजीशन है जो आपको फैसिलिटेट करेगी, चाहे आपके अटैक है, चाहे काउंटर अटैक है, और चाहे आपके डिफेंसिव एक्शन है। अगर आपका रिंग के अंदर बैलेंस कम हो गया, ना तो आप अपने डिफेंसिव एक्शन को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सकेंगे, ना अपने ऑफेंसिव एक्शन को। इट इज द की इन बॉक्सिंग, कैसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए बॉक्सर शुड बी एबल टू ऑलवेज मेंटेन हिज बैलेंस। अगर वो अपना बैलेंस को प्रॉपरली मेंटेन कर रखता है तो किसी भी प्रकार की कोई उसके अंदर हर्डल नहीं आएगी, चाहे उसकी पंचिंग स्पीड हो, चाहे उसके डिफेंसिव एक्शन की स्पीड हो। नाउ व्हेन वी लुक एट द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ द एथलेट्स, उसके अंदर क्या क्या टास्क थे उनको देखते हुए हम अपने बॉक्सिंग के अंदर क्या क्या टास्क है। बॉक्सिंग के अंदर जैसे एथलेट्स में तो एक दफा सिग्नल दिया, गन चली, आपने 100 मीटर को दौड़ना है या 200 मीटर को दौड़ना है या हर्डल को दौड़ना है। बॉक्सिंग के अंदर जैसे ही बॉक्स शुरू होता है एक बॉक्सर के क्या क्या टास्क है, किन किन चीजों की स्पीड चाहिए। पहला टास्क क्या होता है, जैसे ही बेल बजती है, राउंड शुरू होता है, तो आपको अपने ओपोनेंट के टारगेट के ऊपर ओपनिंग चाहिए, इसलिए आपने पॉइंट स्कोर करने हैं। अगर आप उस ओपनिंग को जितना जल्दी पहचानेंगे उतना ही जल्दी आपके पंचेज रिएक्ट कर सकते हैं। तो पहले हमें ओपनिंग किसके लिए चाहिए, हमारा पहला क्या टास्क है, रिंग के अंदर अपने ओपोनेंट को पंचेज मारने के लिए ओपनिंग चाहिए। नाउ द सेकंड वन टू डिफेंड और नलिफाइंग द ओपोनेंट अटैक्स विच आर एम्ड एट योर टारगेट। दूसरा क्या है, जब बाउट चल रहा होता है हमारा ओपोनेंट भी हमें मारेगा, अगर हम उसके अटैक को पहले से गेस कर लेते हैं या उसका पूर्व अनुमान लगा सकते हैं, या जिसको थोड़ा सा और डिफिकल्ट वर्ड में ले चले, इट इज कॉल्ड एंटीसिपेशन और ओरिएंटेशन। जो जैसे जैसे बॉक्सर अपनी इस क्वालिटी को डेवलप करते जाता है वो उसके एक्शन से ही मेकअप कर सकता है वो क्या करने जा रहा है, कौन से पंच के साथ आएगा। तो जितना जल्दी आप पंच को एंटीसिपेट कर लेते हैं उतना ही आपका जो अटैक है उसको, जो ओपोनेंट के किया था आपके ऊपर, उसको डिफेंस करने में आप सक्सेसफुल होंगे। द थर्ड वन इज काउंटर अटैक। अगर आप अपने ओपोनेंट का कोई भी अटैक मिस कर देते हैं तो आपका जो ओपोनेंट है या विरोधी है या जो बाउट के अंदर दूसरा बॉक्सर है वो मोमेंटली ऑफबैलेंस होता है, जहां उसके टारगेट के ऊपर कोई भी ओपनिंग क्रिएट होती है उसको यूटिलाइज करने वो ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। जितना जल्दी आप उस ओपनिंग को, जितना जल्दी अपने ओपोनेंट को जो बैलेंस होना है उसको पहचानेंगे, उतना ही जल्दी अपनी स्पीड के द्वारा आप अपने काउंटर अटैक को क्या कर सकते हैं, सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो हमें स्पीड किस प्रकार की, इन तीनों प्रकार की स्पीड चाहिए एक बाउट के दौरान। जब बड़े बॉक्सर्स की बात करते हैं उनका एक ही सभी का, व्हाट इज देयर कॉमन एम, कॉमन गोल, उनका क्या कहना है, ग्रेट बॉक्सर्स हैव यूज्ड देयर स्पीड टू थ्रो पंचेस फर्स्ट एंड लैंड फर्स्ट बिफोर डिफेंसेस कैन रिएक्ट। उनका यही मानना है भी हमारे पंचेस को जैसे ही हम थ्रो करते हैं थ्रो करने के साथ ही लैंड कर जाएं,
उनके अंदर इतनी स्पीड होनी चाहिए कि जैसे ही मैं किसी भी अटैक को प्लान आउट किया, जैसे ही मैं उसको फर्स्ट थ्रो करने के लिए किया, उसी वक्त लैंड, अगर हमारे पंच लैंड नहीं करेंगे तो उसके अंदर ओपोनेंट रिएक्ट कर जाएगा और वो आपने जो अटैक किया है उसको डिफेंस के द्वारा अपने क्या कर देगा, बेकार कर देगा। सो इट इज ऑलवेज द एम ऑफ द बॉक्सर, जब भी हम पंच करने हैं थ्रू अवर नर्वस सिस्टम वी विल नो वेयर द ओपनिंग एग्जिस्ट, देन फ्रॉम देयर द कमांड विल कम वेयर वी हैव टू लैंड। सो इफ यू वांटेड टू लैंड द पंच सक्सेसफुली देन वी हैव टू बी वेरी all the time in the ring we have to keep our nervous system open to think to make out where the openings are exist, because they will not exist for a longer time, they will be existing for a very short duration. We have to recognize those situation and immediately we have to use. Then on the basis of this we have made one definition in boxing with about first I read Kevin Hickey from national coach of UK and land. He was the first person which I read. Maybe there may be many, but I the literature which I have gone through, he was the first person to bring it in writing. So यहाँ पे वो definition जो लेके हैं, it is the ability of a boxer to utilize the opening. ये boxer की वो ability है जिसके द्वारा जब opponent के target के ऊपर कोई भी opening होती है, कभी भी होती है, because as and when, जरूरी नहीं है जब आप चाहते हैं वही हो जाए, तो आइदर यू हैव टू क्रिएट इट और व्हेन इट कम्स एंड एज इट कम्स, उसी वक्त हमने उस ओपनिंग को क्या करना है, यूटिलाइज करना है, किसके द्वारा, अपने अटैक्स के द्वारा, विच इज द मोस्ट सुटेबल पंच फॉर दैट ओपनिंग, वी हैव टू कैरी दैट पंच ऑन द ओपोनेंट टारगेट। द सेकंड व्हाट ही सेज टू डिफेंड, और सेकंड मोस्ट ऑफ द कोचेज विच दे से टू डिफेंड एनी पंच, दिस हिज डिफेंसिव एक्शन कैरी स्लिप इन out, sway, duck and the which one is the best suited. दूसरे हमें किस प्रकार की स्पीड चाहिए, क्योंकि रिंग के अंदर आप भी मारेंगे, आपका साथी भी मारेगा, ये तो है नहीं, उसके हाथ बने हुए हैं जब वो आपको कोई छोड़ेगा, उसके पंचेस जो आपके टारगेट के ऊपर आ रहे हैं उसके बारे में दिमाग के अंदर डिसीजन लेना है, इस ऑफेंस के लिए कौन सा डिफेंस बेस्ट सुटेड है, क्या मेरे को स्वे करना पड़ेगा, क्या मेरे को स्लिप करना पड़ेगा, क्या मेरे को डक करना पड़ेगा, या मेरे को वीप करना, विच इज द बेस्ट सुटेड। अगर आप करेक्ट एंड क्विक डिसीजन लेते हैं ब्रेन के अंदर, देन देयर इज नो चांस, कोई भी ऐसा नहीं लगता भी आपका जो डिफेंस और जो कॉन्ट्रैक्शन है वो सक्सेसफुल ना हो। टू यूज द ओपनिंग विच आर क्रिएटेड थ्रू डिफेंस विद द काउंटर अटैक, जो भी ओपनिंग उसके टारगेट के ऊपर आपने क्रिएट किया है अपने डिफेंसिव एक्शन के द्वारा, उसको यूटिलाइज करना। बॉक्सर मस्ट बी एबल टू मेंटेन और इंप्रूव हिज स्पीड ऑफ एक्शन। तो यहां पे जैसे हमने लास्ट डेफिनेशन के अंदर किया, इट कैन बी अ सिंगल मूवमेंट, मे बी सिंगल पंच और मूवमेंट ऑफ एक्शन, जहां हमारा एक कोई कॉम्बिनेशन है, चाहे वो स्ट्रेट लेफ्ट, स्ट्रेट राइट, लेफ्ट हुक या राइट हुक का, चाहे राइट क्रॉस लेफ्ट हुक का, चाहे स्लिप इन राइट एट बॉडी और लेफ्ट हुक का, उसके अंदर मींस द फर्दर इंडक्शन ऑफ द पंचेस, जो दूसरे और पंचेज ऐड कर रहे हैं उसकी स्पीड, पहला जो पंच हमने कॉम्बिनेशन के अंदर लिया था उतनी तो कम से कम होनी चाहिए, जहां उससे बेटर, क्यों, अगर आप नहीं उसको करेंगे तो आप अपना जो ओपोनेंट का टारगेट है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर सकते। दूसरा, जो स्पीड हम एक बाउट को शुरू होने के साथ, जिसको हम एक स्पीड इंडोरेंस की भाषा में पढ़ते हैं, जैसे ही हमारा बाउट शुरू होता है हमारे पंचेज की जो स्पीड की एग्जीक्यूशन है उसी स्पीड के साथ उन्हीं पंचेज को पहले जो सेकंड है उससे लेके आखिरी सेकंड, पहले राउंड से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और कंपटीशन के लास्ट राउंड तक और लास्ट बाउट तक उसको मेंटेन करने रखना है। अगर उसके अंदर कमी रहती है तो दिस मीन अवर जो स्पीड इंडोरेंस है उसको हमने प्रॉपरली उस लेवल तक का डेवलप नहीं किया। इसकी इंपॉर्टेंस बॉक्सिंग के अंदर जितनी इंपॉर्टेंट चाहे उतनी कम है। अगर आपके ऑफेंसिव एक्शन की स्पीड अच्छी है, ज्यादा है, या उसको आपने ओपोनेंट को मद्देनजर रखते हुए डेवेल्प किया है, तो देयर इज नो रीजन दैट योर अटैक विल नॉट शुड नॉट बी सक्सेसफुल। हर प्लस पॉइंट है आपके पास अपने जो ऑफेंसिव एक्शन है उसको सक्सेसफुल होने का। डिफेंड द ओपोनेंट अटैक्स, अगर आपके डिफेंसिव एक्शन की स्पीड, आपकी एंटीसिपेशन, आपकी ओरिएंटेशन थ्रू डिफरेंट गोइंग थ्रू द डिफरेंट टास्क, स्कूल फाइट से लेके कंट्रोल स्पारिंग, फ्री स्पारिंग,
उन सभी चीजों के अंदर आपने उस लेवल की जो स्पीड को डेवलप किया है, तो यू हैव द मोर चांसेस और द मैक्सिमम चांसेस टू मेक योर डिफेंसिव एक्शन मोर सक्सेसफुल. इट गिव्स अ लेवल ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी. जब भी कभी रेंज में खड़े होते हैं, जिसकी ज्यादा स्पीड होती है उसके पंचेज लैंडेड पहले कर जाते हैं, तो ओपोनेंट को कई दफा जो रेंज के अंदर खड़ा है वो आपके पंच को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता. इसका भी आपके पास प्लस पॉइंट रहता है. देन स्पीड लीड टू अ पावर. ए स्पीडी बॉक्सर कैन जनरेट मोर फोर्स इन द पंच. फोर्स की डेफिनेशन क्या है? मास जर्वे एक्सिलेशन. मास वही रहना जो आपके वेट का है. अगर आपकी एक्सिलेशन ज्यादा होगी देन डेफिनेटली आपका जो पंच है उसके अंदर फोर्स ज्यादा होगी. ए पुजलिस्ट विद ए हाई स्पीड इज डिफिकल्ट टू कैच इन द रिंग. ही हैज एडवांटेज ओवर हिज ओपोनेंट डूइंग ए बाउट. उसके बहुत सारे उदाहरण है. कई दफा बोला आप शुगर एंड लेनर्ड को देखो, या अपना मोहम्मद अली है, या नाउ वी हैव ए वेरी ग्रेट बॉक्सर्स. तो अगर आप उनकी तरफ देखते हैं, उनको रिंग के अंदर उनके ओपोनेंट के द्वारा कैच करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. तो इसलिए अगर आपके पास डिफेंसिव एक्शन की स्पीड ज्यादा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी लेवल ज्यादा होगा, और आपके जो ओपोनेंट के पंच लैंड नहीं करेंगे आपके टारगेट के ऊपर, इसका एक दूसरा प्लस पॉइंट भी मिलता है. ओपोनेंट के अंदर फ्रस्ट्रेशन आती है. फ्रस्ट्रेशन अगर किसी बॉक्सर के अंदर आप क्रिएट कर सकते हैं, तो आपके सभी के सभी जो अटैक है उनके सक्सेसफुल होने के ज्यादा चांसेस बन जाते हैं. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीड इन बॉक्सिंग. बॉक्सिंग के अंदर चार प्रकार को, जहां लोकोमोटिव स्पीड को छोड़ के हर प्रकार की स्पीड इस्तेमाल की जाती है. वी विल स्टार्ट फ्रॉम द डाउन रिएक्शन स्पीड. बॉक्सिंग के अंदर सभी के सभी रिएक्शन है, कुछ सिंपल है कुछ कॉम्प्लेक्स है. जो आपको रिंग के अंदर जाने से पहले पता है वो हमारे सिंपल रिएक्शन है, जो नहीं पहले पता होता वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है. देन वी हैव मूवमेंट. ऑल द रिंग they are the movements, maybe of the offensive action, maybe of the defensive action, maybe of the counter action, maybe of the footwork, maybe of the coordination. जितने भी movements हम ring के अंदर करते हैं, नौ के नौ मिनट, सभी movement है. It can be single movement, it can be multiple movement, or it can be coupled movement. These are the movement. Acceleration. एक्सलेशन जो अटैक हम शुरू करते हैं, जहां एक स्पर्ट के साथ हमने अटैक किया, हमारे जो आने वाले अटैक हैं उनके स्पर्ट्स की स्पीड अगर उससे ज्यादा होगी तभी वो स्पर्ट कामयाब होंगे, नहीं तो उनके फेल होने के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं. देन वी कम टू स्पीड एंड्योरेंस. स्पीड एंड्योरेंस क्या है? व्हेन यू आर थ्रोइंग द पंचेस विद सेम स्पीड अंडर द कंडीशन ऑफ फटीक, जहां थकान के बावजूद भी अपने पंच की जो स्पीड आपने शुरू से अक्वायर की थी उसी स्पीड के साथ, जहां उसको और इंप्रूव करते हुए अपने स्पर्ट्स को अपने बाउट के दौरान, अपने पूरे कंपटीशन के दौरान जो भी फटीक उस दौरान पैदा होती है उसको टॉलरेट करते हुए बिल्कुल अपने जो पंच की कमी, चाहे डिफेंसिव एक्शन है उसके अंदर कोई कमी नहीं आने देते. दैट वी विल रीड अंडर द हेडिंग ऑफ स्पीड एंड्योरेंस. नाउ रिएक्शन स्पीड. ये दो प्रकार की होती है बॉक्सिंग में. ये क्या? इट इज द एबिलिटी टू रिएक्ट क्विकली एंड इफेक्टिवली टू अ गिवन सिग्नल. रिएक्शन स्पीड इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. क्या? जब भी हम रिंग के जाते हैं, एंटर होने के बाद ऑल आर रिएक्शन, सम आर सिंपल सम आर कॉम्प्लेक्स. सिंपल रिएक्शन क्या है? जैसे घंटी बजती है, यू हैव टू लीव द कॉर्नर एंड स्टार्ट बॉक्सिंग. कमांड्स ऑफ द रेफरी. अगर वो स्टॉप बोलता है बॉक्सिंग से रुकना पड़ेगा. अगर वो बॉक्स बोलता है आपको शुरू करना पड़ेगा. अगर वो ब्रेक बोलता है आपको पीछे जाना पड़ेगा. नहीं तो क्या है, जैसे छोटे छोटे जिसको हम बहुत ही सिंपल बोलते हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉक्सर इन द हिस्ट्री ऑफ बॉक्सिंग होलीफील्ड, चाहे कुछ भी हो, ही कैन नेवर बी कम इन द लिस्ट ऑफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट. एक छोटी सी गलती जिसके ऊपर बहुत दफा हम कोच डिस्कस करते हैं बॉक्सिंग के अंदर, कल मैं और संडियागो भी काफी डिस्कस कर रहे थे इसके ऊपर. कुछ भी है, जब गलती गलती है, कितना भी आप स्ट्रांग है, कितना भी आप आउटस्टैंडिंग है, रेफरी आपकी उस गलती को नजरअंदाज नहीं कर सकता. यू कैन बी फिनिश्ड फॉर दैट. देन द नेक्स्ट सिग्नल विच कैन बी टाइम नाउ इट इज विच इज यूज मोस्ट ऑफ द टाइम बाय द बॉक्सर. देन
घंटे जब राउंड खत्म होता है उस वक्त भी जब व्हेन देयर इज अ बेल यू हैव टू स्टॉप योर एक्शन इमीडिएटली, नहीं तो कई दफा होता है द ग्रेट बॉक्सर्स, इसके अंदर अगर नाम हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे बॉक्सिंग हैं जो ओलंपिक एशियन गेम्स के अंदर मेडल के बिना रह गए बिकॉज ड्यू टू दिस सिंपल रिएक्शन। जब एक बच्चा हमारे पास पहले दिन से ले बॉक्सिंग के लिए आता है उसको इसके बारे में वी हैव टू मेक हिम अवेयर, भाई बच्चे या बॉक्सर जो भी आप अडॉप्ट करना चाहते हैं अप्रोच को उसके अंदर भी ये बहुत इजी कमांड है बट इनको कभी इजी मत समझो, ये कई दफा डिसाइसिव बन जाती है। होलीफील्ड जितना मर्जी बड़ा हो उसके लिए डिसाइसिव होगी, मीन इन सभी चीजों को जब आप राउंड के अंदर है बाउट के अंदर है ये रिएक्शन के मुताबिक जो एक्शन आपका रूल कहता है उसके मुताबिक आपको रिएक्ट करना ही है। अगर नहीं करेंगे उस टाइम का कानून उस समय का कानून जो बोलता है रेफरी आपको उसके मुताबिक पेनलाइज करेगा एंड दैट पेनलाइजेशन कैन काउंट द बाउट और इवन द मेडल। वो पेनल्टी जो आपके ऊपर पड़ेगी वो आपको कई दफा उस बाउट को भी कॉस्ट कर सकती है और अगर ज्यादा सीवियर हो तो मेडल के लिए भी कॉस्ट कर सकती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शनबिलिटी रिकॉग्नाइजिंग द ओपनिंग फॉर लैंडिंग द ब्लोज, ओपोनेंट नहीं बताएगा भी मेरा टारगेट कहां खाली हुआ है। वी हैव टू डेवलप इन स्कूल फाइट, उसके बाद कंट्रोल स्पारिंग फ्री स्पारिंग जो बॉक्स है उसके अंदर यू हैव टू सर्च, इट इज ए कंटिन्यूसली एफर्ट बाय द बॉक्सर, इसलिए बोलते हैं इट इज डिपेंडिंग अपॉन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यू हैव टू हैव अ विल पावर। यानी पहले 10 सेकंड तो आप उसको मेकआउट कर सकते हैं, जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस होते जा रहा है आपके अंदर फटीक पैदा होती है और आप थक जाते हैं और उस जो रिकॉग्निशन है उसकी क्वालिटी नीचे आ जाती है। नो, अगर 9 मिनट का बाउट है 9 के 9 मिनट यू हैव टू कीप दिस अलर्ट, जितना जल्दी आप अपने टारगेट के ओपोनेंट के टारगेट के ऊपर उसकी ओपनिंग को रिकॉग्नाइज करेंगे उतना ही जल्दी आपका रिएक्शन होगा, जितना जल्दी रिएक्शन होगा उतना ही ज्यादा आपके अटैक के सक्सेसफुल होने के चांसेस होते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज एंटीसिपेटिंग द ओपोनेंट अटैक, हर ओपोनेंट चाहता है रिंग के अंदर जैसे आप अपने अटैक को छुपाना चाहते हैं, ही विल बी आल्सो पुटिंग सम एलिमेंट्स ऑफ फेक, ही विल बी पुटिंग सम एलिमेंट्स ऑफ ड्राइंग, अगर उन चीजों को आप उसका पूरा अनुमान लगा सकते हैं इफ यू एंटीसिपेट देम उतने ही आपके डिफेंस के सक्सेसफुल होने के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। और इन चीजों को अगेन आई विल से इट कैन बी ओनली इन द प्रोसेस, अगर एक प्रोसेस के अंदर आप कंटिन्यूसली चलते हुए यू give a stress first in school fight, then you go in control sparring, then you go in free sparring, then you take to the various competitions. और वहां पे भी जिस प्रकार के opponent को चाहते हैं भी उन चीजों को आपने judge करना है, उनके साथ आप sparring bouts या league bouts जो भी arrange करवाते हैं, it is all to develop the complex reaction abilities of your boxer. Now, I just wanted to have our own exercises, what these exercises are followed with the different commands. इसको मैं दिखाता हूँ, कई दफा same side, left side to the left, right side to the right side, और कई दफा opposite. These has been taken because nowadays most of the training session from one sport to the other sport, by keeping in one or the other physical quality or the other thing in mind, the coaches adopted. This has been taken from tennis and these has been very effectively conducted by the boxing coaches around the world. So I will just put on this, you can see it. Right. Yeah. Right. Right. Ready? Now opposite hand. Yeah. Right. Yeah. Now the feet. Yeah. Three. Red. White. Three. Yeah. Red. Now, if we look at these movements, बहुत सारे कोचेज का जो मानना है एक टेनिस
एक मैच के दौरान और बॉक्सिंग बाउट के दौरान डिफिट मूवमेंट्स दे टेक प्लेस एज इट और उनकी इंटेंसिटी कई दफा इट इज सिमिलर टू बोथ इन टेनिस एज वेल एज इन बॉक्सिंग और समटाइम्स इट मे बी मोर इन टेनिस और समटाइम्स इट मे बी मोर इन बॉक्सिंग Now from there we have moved on to the tennis balls. Actually I wanted to record it here in Patiala. I could not get a person and the due to this COVID 90 we were not having the possibility to do our ground because the area has been banned for the Now we have seen many exercises. Now we will go how to develop this reaction speed. This simple reaction, they say it can be best developed in the जो कई दफा question आता रहता है कि speed को develop करना है बच्चों में. ये reaction speed और movement speed can be best developed in the children. 10-11 साल के जो बच्चे हैं जब आप अंदर आते हैं उसकी रिएक्शन स्पीड को जितना चाहे आप उस लेवल तक इंप्रूव कर सकते हैं बट यू हैव टू अरेंज दोज माइनर गेम्स मे बी विद द टेनिस बॉल मे बी विद द स्टिक्स और देयर आर मेनी अदर माइनर गेम्स आर देयर थ्रू विच वी कैन इंप्रूव द सिंपल रिएक्शन ऑफ ए बॉक्सर नाउ इफ वी गो दिस सिंपल वी गो एज द बेस्ट बॉक्सर इन दिस एरा लेमनचेंको अगर हम उसके वीडियोस के अंदर भी देखेंगे बहुत सारी एक्सरसाइजेज ऐसे हैं जो हम बच्चों के अंदर करवाते हैं बट कमिंग एट सच ए टॉप लेवल इस लेवल के अंदर आने के बाद भी वो इन एक्सरसाइजेज को फॉलो करने की कोशिश करते हैं नाउ वी विल कम टू द कॉम्प्लेक्स द फर्स्ट वन इज टेनिस बॉल एक्सरसाइजेज Why we have taken tennis ball because they are safe और इसकी जो velocity है जैसे हमारे पंच की होती है उस level तक हम arrange कर सकते हैं It can be simple throwing on over the your partner or from the direction from the ball also. Then exercise on the ball pad for some of the direction for landing their successful blow जैसे वो लव opening को utilize करने के लिए कई प्रकार की जो पंचिंग के लिए जो रेक्टिव एक्सरसाइज दे आर कंडक्टेड ऑन बॉल पैड बट आई जस्ट वांटेड टू शो इट अगेन आई कुड नॉट अरेंज इट बट व्हेन वी गेट नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी वी विल ट्राई टू हैव अ वीडियो ऑन दिस आल्सो द नेक्स्ट वन इज अटैक डिफेंस गेम इन स्कूल फाइट ये बच्चों के अंदर स्पेशली द कंट्रीज इन क्यूबा एंड जर्मनी आई हैव सीन टू मच जब भी वो एक डिफेंस है उसको सक्सेसफुल करने के लिए मे बी दे हैव टॉट अ स्टेट लेफ्ट वो आपको एक मिनट का राउंड दे देंगे एक मिनट के अंदर यू हैव ओनली 10 स्टेट लेफ्ट उसको सक्सेसफुली लैंड करना है एंड दे कैलकुलेट इट हाउ मेनी सक्सेसफुली यू हैड लैंडेड नेक्स्ट टाइम दे से यू हैव 10 स्टेट लेफ्ट 2 एट बॉडी 8 एट हेड और नेक्स्ट टाइम दे विल से 4 एट हेड और 6 एट बॉडी देन इट इज चेंजिंग ऑपोजिट उसके अंदर आप अपने जो बॉक्सर है उसकी वेरिएशन ऑफ अटैक को भी डिफेंस डेवलप करते जाते हैं और साथ ही साथ उसकी स्कोरिंग एबिलिटी को भी जज करते हैं सेम वे इन द डिफेंस ऑल्सो दे से यू हैव 6 अटैक यू कैन ब्लॉक 2 बाई ब्लॉक and 2 by ferry the next 2 they will not give it is depending upon you to jab aapka opponent attack kar raha hai kitne jo attack hai usko apne defenses ke dwara so children they are very this competitive at this age 12 13 saal ke bacche iske liye muqable ke andar har first aana chahte hain and they take it very seriously aap yahan pe unka mental level bhi develop kar rahe hain unki complex reaction ability ko bhi develop karte hain side by side you are giving them the conception how they have to go further when they are going for school boxing school fight
or in the sparring session. Then scoring game, they arrange it by round wise. They give sometimes 5 score, 10 score, 12 score. These exercises can be organized at the senior level also. Then the lastly, various types of sparring. Ultimately, we may develop through any way. Our ultimate aim, how it has been developed for the ring situation. All these things, they are allied food of a boxer. ये सभी चीजें उसके लिए अलाइड हैं. ये सारे काम किसके लिए कर रहे हैं? टू मेक हिज ऑल द रिएक्शन इन द रिंग सक्सेसफुली ड्यूरिंग द प्रोग्रेसेस ऑफ अ बाउट. अल्टीमेटली उसको स्पारिंग के अंदर, बिकॉज स्पारिंग के अंदर ही हिज इंटेलिजेंस, हिज विल पावर, हिज कोऑर्डिनेशन, ऑल ऑफ देम. बिकॉज वही जैसे इट इज ए जो आपकी जो यहाँ स्टेटमेंट है, ये इट इज ए कंपेरेटिव. दो है, जिसने ज्यादा किया वो ज्यादा कामयाब होगा. ऑलवेज यू हैव टू कम्पीट अगेंस्ट समवन. तो जिस डिग्री की एफर्ट की वो कोशिश करता है, आपकी डिग्री ऑफ एफर्ट, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी अगर उससे ज्यादा नहीं, तो आपके रिंग के अंदर सक्सेस होने के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे. देन मूवमेंट स्पीड, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए पुगलिस्ट टू एग्जीक्यूट एनी मूवमेंट विद हाई स्पीड. व्हाट आर अवर, इट कैन बी मेड बाय टाइम टेकन टू कंप्लीट दैट मूवमेंट, टोटल टाइम टेकन बाय ए पुगलिस्ट टू एग्जीक्यूट जॉब और एनी कॉम्बिनेशन. Movement speed depends upon explosive strength, mastery of the techniques. Now, when we are discussing this, we have only talked more about the offensive action. आपका they have nowadays the such a equipment. जैसे ही आपका punch आता है, अब वो आपके reaction speed को they can tell you. Then they can take the first punch, how much time it has been taken. They can take the speed of your full combination, even with the force also. These things they play a very important role in the selection of a talent. जब बच्चों के अंदर, जब वो बच्चे किसी particular tournament के बाद या tournament के लिए selection के अंदर आते हैं, तो जितने भी जो advanced country है, इस प्रकार के test बहुत सारे बच्चों के ऊपर conduct करते हैं. Now ये जो movement speed है, इसको कैसे develop कर सकते हैं? Technique क्या है? Development of the techniques from rough coordination to fine coordination, from fine coordination to stabilization, and from stabilization to variation. आज मैं एक बच्चे को अपनी स्टेट लेफ्ट दिखा देता हूं या लेफ्ट को दिखाता हूं. उस डेमोन्स्ट्रेशन के बाद उस बच्चे के दिमाग के अंदर उस चीज के बारे में, उस टेक्निक के बारे में एक रफ कोऑर्डिनेशन बन जाता है. वो उसी कोऑर्डिनेशन के आधार के ऊपर उस तकनीक को फॉलो करने की कोशिश करता है, जिसके लिए हम पार्ट मेथड अपना लेते हैं, और उसी तकनीक को पूरा करके कोशिश करता है. तो उसके अंदर जो भी गलतियां होती हैं, जो बेसिक तकनीक को फॉलो करने के लिए, हमने उन गलतियों को जहां बिल्कुल खत्म करना है. क्योंकि अगर कोई भी गलती रह जाएगी, जब हाई लेवल पे जाएगा, उस वक्त वो गलती उसकी अचीवमेंट के रास्ते का रोड़ा बन सकती है. इसलिए व्हेन वी आर इन द फॉर्म ऑफ रफ कोऑर्डिनेशन, तो उस वक्त हमारा जो मैक्सिमम जो मिस्टेक्स है, उसको क्या करना है? एरेडिकेट करना है. ज्यादा से ज्यादा जो सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट है, टेक्निक, उसके ऊपर टेक्निक को फॉलो करना है. जब एज ए कोच आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं भी, जो एक टेक्निक का मॉडल है, उसके मुताबिक उस टेक्निक को ये बॉक्सर कावल हो गया करने के, तो हम किसकी तरफ चले जाते हैं? वी गो टू द सेकंड स्टेप. उसका क्या नाम है? दैट इज फाइन कोऑर्डिनेशन. जो चीज हमने पहले रफ की थी, उसको हम क्या करने लग जाते हैं? अच्छा बनाने लग जाते हैं. जहां अगेन द स्ट्रेस इज गिवन मोर ऑन द करेक्शन ऑफ द मूवमेंट, वो जो पार्ट मेथड है उसको नहीं फॉलो करते, वही मूवमेंट एक प्रॉपर कमांड के ऊपर क्या करता है? वो बच्चा कंप्लीट करने लग जाता है. और जहां फिर उस कोऑर्डिनेशन को हम क्या करने चाहते हैं? स्टेबलाइज करना चाहते हैं. तो उसको किसके साथ मिलाना चाहते हैं? विद द मूवमेंट ऑफ द फीट. वो टेक्निक जो खड़े खड़े बच्चा कर रहा था, उसको स्टेबलाइजर. देन वी ट्राई टू यूज विद द मूवमेंट ऑफ द फीट, चाहे आगे जाते हुए, चाहे पीछे जाते हुए, चाहे बाएं, चाहे दाएं. मीन जो टेक्निक वो खड़े खड़े पहले रफ कोऑर्डिनेशन के अंदर किए, उसके बाद उसने अपना कोऑर्डिनेशन इंप्रूव किया, देन ही कम टू द स्टेबलाइजेशन. बट अल्टीमेट एम इज द वेरिएशन. क्योंकि जब उसने रिंग के अंदर लड़ना है, उसी तकनीक को अलग अलग, फिर वही बच्चा अपना दिमाग उसके प्रति कोच के साथ डिस्कस करता है, और जैसे जैसे उसके दिमाग के अंदर कोई भी नई चीज आती है, उनको उस तकनीक के अंदर लेके आकर उनको यूज करना है.
तो प्रैक्टिसिंग द मूवमेंट अंडर इजियर कंडीशन फ्रॉम इजियर टू डिफिकल्ट एंड क्रिटिकल कंडीशन। तो जब हम इस चीज को किसी पार्टनर के साथ करना चाहते हैं तो हमें उस वक्त जज करने के लिए जो कंडीशन क्या है इजियर। नाउ फॉर एग्जांपल आप लेफ्ट का यूज करना चाहते हैं, अगर उसको उससे बहुत फास्ट दे दिया या उससे अच्छा बॉक्सर दे दिया, उसके अंदर शायद वो कॉन्फिडेंस ना आए, तो हम उस बच्चे के अंदर पहली स्टेप पे कॉन्फिडेंस लाने के लिए उसके जो पार्टनर वो थोड़े से कमजोर या उसी लेवल पे या उनको कंट्रोल करते हुए वी आर ट्राइंग। जैसे जैसे बच्चा इंप्रूव करते जाते हैं हम उसकी उन कंडीशन को भी डिफिकल्ट बनाते जाते हैं। तो उसके बाद जो थर्ड एम होता है यूज ऑफ इक्विपमेंट ऑन द इक्विपमेंट्स, तो हम उसी तकनीक को किसी ना किसी इक्विपमेंट के ऊपर, चाहे बैट के ऊपर, चाहे पैड के ऊपर, चाहे स्पीड बॉल के ऊपर, चाहे शॉर्ट पुट के द्वारा, मेडिसिन बॉल के द्वारा, उसकी जो क्वालिटी फिजिकल की चाहिए उसके अंदर डालने के लिए उसका यूज किसके अंदर शुरू कर देते हैं, इक्विपमेंट के अंदर। देन फॉर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ मेनी ऑफ द कोचेस दे वांटेड स्पेसिफिकली वी हैव टू वर्क ऑन दिस थिंग फॉर इंक्रीजिंग द मूवमेंट स्पीड ऑफ आवर पंचेस। देन कम स्कूल बॉक्सिंग। स्कूल बॉक्सिंग जिसके अंदर वही बच्चा जो टेक्निक पहले खड़े होकर उसके बाद फाइन कोऑर्डिनेशन आप एक दो पंचेस के साथ कंबाइन करते हुए, जहां हम क्या करने लगे कपलिंग एबिलिटी को भी लेके आने लगे। कपलिंग है, अडॉप्टेशन है, डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन है उनकी प्रैक्टिस के लिए स्कूल बॉक्सिंग के अंदर, चाहे आगे चाहे पीछे, वो कॉम्बिनेशन अटैक के भी हो सकते हैं, डिफेंस एंड काउंटर के भी हो सकते हैं, किसी मॉडल के आधार के भी हो सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ डिफेंसिव एक्शन, जितना ज्यादा से ज्यादा आप डिफेंसिव, कई कोचेज का जहां तक मानना है, जितने बेस्ट कोचेज अराउंड द वर्ल्ड है वो तो जहां तक बोलते हैं भी अगर 10 मिनट आपने ऑफेंस के लिए दिए तो कम से कम 40 मिनट आपको डिफेंस के लिए देने चाहिए। क्यों? वहां आपका जो साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है दे कम इन टू प्ले। अगर आप उसको डिफेंसिव एक्शन इंप्रूव कर रहे हैं, साइड बाई साइड आप उसके ऑफेंसिव एक्शन को भी इंप्रूव कर रहे हैं, इससे बॉक्सर के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और उसकी इंटेलिजेंसी भी बढ़ती है। देन वी गो टू स्कूल फाइट। जो चीजें वो अकेला किसी पार्टनर के बिना करा था उन्हीं चीजों को वो अपने पार्टनर के साथ, चाहे एक कॉम्बिनेशन के द्वारा चाहे दो कॉम्बिनेशन के द्वारा, स्कूल फाइट के अंदर यूज करने लग जाता है। तो वो जो आइसोलेट वे में अपनी चीजों को एक एक करके डेवलप किया था, नाउ ही स्टार्ट अगेंस्ट नॉट इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बट ही इज टेकिंग द फर्स्ट स्टेप इन दैट डायरेक्शन, जहां उसकी विल पावर को भी जो थोड़ा होता है ही गेन मोर कॉन्फिडेंस, जहां उसका जो पंचेस को सहन करने की सीमा, पंचेस को लैंड करने की, जहां अंदर से जो एक बोलते हैं ह्यूमन पावर, वो उसको क्या करता है डेवलप करता है। मूवमेंट स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग टू बॉक्सर वाई अल्टरिंग द कंडीशन इजियर, जहां भी उसकी साइकोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए, कई दफा कोच कोई उसकी पर्टिकुलर टेक्निक को इम्प्रूव करना चाहते हैं, कोई वीकर ओपोनेंट दे दिया कई दफा, और जो स्पोर्ट करना है उसकी बॉडी पे जाना है थोड़ा सा लंबा दे दिया, मीन इजियर कंडीशन उसको बिना बताए हुए क्या करते हैं क्रिएट करते हैं। क्यों? उसके अंदर जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ज्यादा हो। स्पारिंग सेशन, अल्टीमेटली अगेन वेयर एवर वी विल कम द एंड विल बी देयर इन द स्पारिंग, ऑल व्हाट वी हैव डेवलप्ड, हाउ ही टेक्स एंड कंडक्ट और एग्जीक्यूट और यूज देम इन द स्पारिंग वेरिएशन। देन एक्सीलरेशन इज द एबिलिटी ऑफ ए पुजलिस्ट टू अचीव हाई स्पीड फ्रॉम ए स्टेशनरी ऑफ मूविंग पोजिशन। हम जैसे ही बेल हुई वहां खड़े थे, पहले लेफ्ट जाब का यूज किया, उसके बाद फिर शायद हमारा दूसरा कॉम्बिनेशन होगा, मे बी स्टेट लेफ्ट एंड राइट, मे बी ओपोनेंट का अटैक आया हम उसको डिफेंस करते हुए, मीन आपका सिंगल ब्लो का भी हो सकता है, आपके स्पर्ट का भी अटैक हो सकता है। तो वहां पे जो स्पर्ट की जो एग्जीक्यूशन है उसकी आप किस क्वालिटी के साथ, क्या वो जिस क्वालिटी के साथ शुरू किए थे उसी के साथ है, जहां उसके अंदर एक्सीलेंट है, अगर पहला 70 किलोमीटर पे थे दूसरा 75 या तीसरा 78, मीन व्हाट स्पीड वी फॉलो इन द इनिशियल स्टेजेस इट मस्ट बी प्रोग्रेस विद द प्रोग्रेशन ऑफ ए टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है उसी तरीके से हमारे होंगे। स्पर्ट अटैक्स है दे मस्ट बी मेंटेन्ड और इम्प्रूव्ड
जो स्पर्ट अटैक के हम बॉक्सिंग के अंदर खाते हैं बार बार जाना सिंगल डबल ट्रिपल पंचेस के साथ, उसकी जो स्पीड है या तो जो स्पीड हमने इनिशियल स्टेजेस के ऊपर ली थी उसको मेंटेन करेंगे या उसको इम्प्रूव करना है। अगर नहीं करेंगे एंड में आप थक जाएंगे और आपके अटैक क्या हो जाएंगे, सक्सेसफुल नहीं होंगे और ओपोनेंट के आपके डिफेंस रिएक्शन भी स्लो हो जाएंगे, ओपोनेंट के अटैक भी सक्सेसफुल। टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू डेवलप द एक्सेलरेशन स्पीड ऑफ अवर बॉक्सर ड्यूरिंग ट्रेनिंग। Then we have a combination of punches with increasing speed on punching pad, punching bag for the short duration. ये normally coaches जिस दिन भी उनके speed training program होते हैं, general training के बाद वो punching bag के ऊपर आते हैं, छोटे-छोटे spot attack के बाद, maybe 10 second, 15 second, 20 second. Here different coaches they have the different ideologies, अपने-अपने विचारधाराओं के ऊपर इसको develop करते रहते हैं. Now I am showing something of the greatest boxer of this era. Lemachenko, जितना भी एक्सरसाइज हमने यहाँ पे डिस्कस किया, हाउ वी ब्रिंग ऑल दीज एक्सरसाइज इन टू हिज ट्रेनिंग सेशन। इसे बैड फ्रॉम बैड ही हैज मूव्ड टू अ स्पीड बॉल, नाउ आइसोलेटेड इन द रिंग, नाउ यू सी दिस इज अ रिएक्शन बोर्ड, वी मस्ट हैव अ नंबर। The spinning ball, now feet movements, arm movements, which is very important for in fighting. Now you see stepping movement in the ring, circling, straight punches. Shuffling movement. Now for the defense selection. अपरकट इन फाइटिंग के लिए, नाउ दिस इज इन द आइसोलेट फॉर्म, देन दी थिंग्स आर ट्रेन्ड ऑन द इक्विपमेंट, देन अगेंस्ट द ओपोनेंट्स, देन अल्टीमेटली इन द स्पारिंग सेशन। नाउ यू सी टेनिस बॉल, स्पीड बॉल, now explosive strength, he say it is most important in boxing for execution of high speed punches. Now in the swimming pool, now in the corner, now this exercise when I have seen first time in Cuba, it was I think 95 before the Atlanta Olympics. We never thought that it will come as equipment. One of the Cuban boxers, every time he was having a ball which was tied up with a soft rubberized lace. This is a spring action that they have a double end ball you will do there. No speed endurance. It is the ability to perform movements with high speed under the conditions of fatigue. जब आप बॉक्स शुरू करते हैं आपके पास एनर्जी के सभी सोर्सेज होते हैं और फटीक बॉडी के अंदर सेटल नहीं होते, आपके पंचेज की स्पीड बहुत अच्छी होती है, ज्यादा होती है या जिस लेवल की चाहते हैं उस लेवल की होती है। बट जैसे जैसे बॉक्स प्रोग्रेस करते जाता है आपकी बॉडी के अंदर स्पीड जो स्पीड है उसके अंदर थोड़ी कमी आने लग जाती है। उसका एक ही एक कारण है, दैट फटीक इज सेटलिंग इन यूर बॉडी। बट इफ यू ट्रेन यूर बॉक्सर्स इन ट्रेनिंग under the condition of fatigue, then definitely he is improving his speed endurance. Iske liye most of the coaches they are following various methods to improve the speed endurance of boxers
In boxing, repetitive movements are performed with highest possible speed, even the pugilist is tired. अपना अगर वो थका भी हुआ है तब भी वो उसी मूवमेंट्स को डिग्री ऑफ एफर्ट बढ़ाता है. यहाँ विल पावर कम इन टू प्ले. यहाँ जो ज्यादा रोल है किसका, विल पावर का है. एनी टाइम यू आर टायर्ड द माइंड, आपके एक आवाज आती है, यू हैव टू कंटिन्यू फॉर यूर सेल्फ, यू हैव टू कंटिन्यू फॉर द नेशन, यू हैव टू कंटिन्यू फॉर यूर फेडरेशन, स्टेट, एसोसिएशन, वट एवर इट मे बी, या द लविंग वन. तो वो जितना उसका इम्पैक्ट होता है, the ability to tolerate fatigue, it comes into play. और वो आपके जो एक्शन है जिसको वो नीचे लेके आती थी उस डिग्री तक नीचे नहीं लेके आने देती. इट हैज टू बी मेंटेन्ड और इम्प्रूव्ड. इसको हम ट्रेनिंग के अंदर मेंटेन करने की या इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं. फ्रॉम फर्स्ट सेकंड जैसे बॉक्स शुरू होता है उससे लेके उसी राउंड के आखिर तक, पहले राउंड से शुरू से लेके सेकंड राउंड तक, सेकंड राउंड से थर्ड राउंड तक, all these things they have to be taken care of in training. Mostly jo improvement of speed endurance uske liye interval method ko use karte hain in the extensive or intensive form, and this form is depending upon the periodization. Before the class I was just discussing with Mr. Santiago that it is the thought of many coaches. कई कोचेज जो फर्स्ट है एंडोरेंस का, उसके बाद दे स्टार्ट स्ट्रेंथ, देन दे कम टू बट जो प्रिपरेटरी पीरियड है उसके पी थ्री के अंदर, इन जो चाहे इंटरवल मेथड है चाहे वो एक्सटेंसिव है, बट जैसे जैसे आप कंपटीशन की तरफ जाते हैं इंटेंसिव फॉर्म में इसको हम यूज करना शुरू करते हैं. ये रन कितने डिस्टेंस के हैं, दे आर वेरिएटेड फ्रॉम 200 टू 800 मीटर. अर्ली सीजन के अंदर प्रिपरेटरी पीरियड के अंदर एंडोरेंस के बाद मे बी 800, उसके साथ हम शॉर्ट डिस्टेंस रखें, और फ्रॉम 800 टू मे बी 600, 400, 200, मे बी इट मे गो अप टू 120, बट देन वी विल बी गोइंग फॉर द प्योर स्पीड. बट विद द 200, अलोंग विद 200 दे फॉलो शॉर्ट स्प्रिंट्स फ्रॉम 10 मीटर टू द 40 मीटर. दे अरेंज देयर ओन ट्रेनिंग शेड्यूल एंड दे हैव अ डिफरेंट और स्पेसिफिक वॉल्यूम और स्पेसिफिक इंटेंसिटी फॉर अरेंजिंग दीज शेड्यूल. All these students cannot be discussed what we have in our possession. If we get time or if somebody is asking, maybe after the session is over, we can discuss on email over this. Then maximum movement. This training is not a unified training. अभी तक दुनिया के सभी जगह पे इसका नाम नहीं एक जगह ऐसा लिया जाता. But Cuba के अंदर देखा गया है that boxers they आर डूइंग इट वेरी मचली इन ए जनरल एज वेल एज ए स्पेसिफिक वे. वो 3 मिनट का राउंड शुरू करता है और अपनी मर्जी से मुताबिक अपने एम के मुताबिक उस 3 मिनट के अंदर एक्टिविटीज को चेंज करते रहता है फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल. कई एक्टिविटीज हाई इंटेंसिटी, कई लो इंटेंसिटी, और जैसे ही 3 मिनट खत्म होते हैं उसके बाद 1 मिनट की रिकवरी देते हैं और 1 मिनट के बाद फिर दोबारा 3 मिनट होते हैं और फिर 1 मिनट की रेस्ट. Or they say it is one of the best method for the developing of the speed endurance. Then we can have exercises on ball pad, punching bag, school fight, and specific combination of punches on punching bag. The duration starts from 10 seconds to the 45 seconds. Now for this movement speed I have requested Marit, just I will show how she is using her lockdown period for the development of her movement speed. Now you see this shout comes, it is a willpower arousal, or when there is a break, don't you feel that load, how she is taking. Means if you feel the load will be counted more. If you relax it mentally, the load will not be that much. So on the special request, she has tried to send over the 3 round training. Same combination, she is trying to. Stop.
Now, from there, we move it to the ring. Ultimate aim is the ring. Now, I have seen in many countries, the coaches from the initial session of sparring, when they are in the form of controlled sparring or conditioned sparring, they arrange the session in this form. Now, boxer A is fixer. In the first form, the first type is they are changing the opponent or the sparring partner with the aim. With each minute, passing of each minute. First A will continue for all of the 3 minutes and the partner will be changing. First partner B will be changed after 1 minute. The second partner will be changed after 2 minutes. He will continue boxing for 1 minute and the third will be changed. The bout will be stopped. Means for 3 minutes, you are giving three different partners sparring. But here they say the coach has to keep one thing in mind. जब इस प्रकार की ट्रेनिंग करते हैं, it is the mental evaluation of the coaches, mental maturity of the coaches. The partner जो D है, it should never be hard hitter. जहाँ ऐसे बॉक्सर को लास्ट में नहीं लड़ाना उसके साथ, जहाँ थोड़ा revengeful हो, जो hard hitter हो, because A boxer is already in the condition of fatigue or he has been changed. But when you are deputing the boxers for such type of training, you have to keep all these things in mind. This is for the exploitation of the 1 minute. In the next is one round. Boxer B, here they keep the strategy. In professional boxing, they follow it too much. For each round strategy, they select a partner, they select a opponent. How he reacts. Agar woh defensive hota hai, jada clinching jata hai, holding, they choose it. But in IBA boxing, in our boxing, so much is not possible. Many times there is a grumbling that we are not getting same type of sparring partner. But if we are not getting all, we have to arrange in such forms. Here, after the first round, the partner is changed. For the 3 minutes, partner B is boxing. For the second round, partner C. And for the next third round, partner D. So you can change the sparring partner. Now again, partner D means at the end, when the boxer is fatigued, जब वो उसको mentally, physically, या last round में तीन round लड़ लिया, वो थका हुआ, उस time पे ऐसे boxer को नहीं try to give at the same level or never the hard hitter. The last one is variation. ये coaches के अपने अपने aim है. For example, now Santiago today, he gave first partner only 20 seconds. Then 40 seconds, then maybe 1 minute. He is taking 5-6 partners as per his wish, as per his aim, as per what he is planning in the training program. He arranges the program for that round on his scoreboard and he is personally controlling. In such, the coach is there in the ring and he is controlling the sparring himself. What he has planned or whether the boxer is fulfilling or that or not. उसके मुताबिक वो काम कर रहा है या नहीं, उन सभी चीजों को भी वो क्या करते जाता है, असेस करते जाता है. Now at the end, there I am little myself feel culprit. मैं एडमिट करना चाहता हूं that all the greatest boxers, हम किसी भी मॉडल को ले लें, चाहे वो हार्ड हिटर है, चाहे टाइसन को ले लो, चाहे फोरमैन को ले लो, चाहे लिस्टन को ले लो, चाहे आप टेम्पो बॉक्सर्स को ले लो जिसके अंदर जो फ्रेजर भी आ जाएगा, आपका स्पिन्स भी आ जाएगा, लैरी होम भी आएगा, चाहे कितने ही मॉडल बॉक्सर्स हैं, जो मिनेवर बॉक्सर्स मोहम्मद अली है, उन सभी की जो ट्रेनिंग रूटीन है उसके अंदर स्पीड बॉल का बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. आई कैन नॉट से एंड आई हैव नो वर्ड्स. But I will keep myself little silent also here. That agar hum is equipment ko bhi humari training ke andar include karte hain, it may not be the main factor, but it may be the additional factor. Jaise khane ki plate ke andar aapko bahut sa achar chahiye, curd bhi chahiye, uske andar jay hona chahiye. But definitely I can say it with strong words. ये आपकी डिश के अंदर एक एडिशनल आपके खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए एक ऐसी डिश होगी जिसका फायदा आपको मेन कंपटीशन के अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा. बिकॉज आई हैव नॉट सीन ए, चाहे वो लाइमन चैंग को फ्रॉम विच कंट्री, विच कॉन्टिनेंट,
which weight class, which model, it is a most important training part of their training schedule, and I will continue this. And you can say all these models, jahan bhi aapne koi baad mein question puchna hai, you can ask, I will put on this. Now we'll start with Hom Ali. Dusri is Tyson, one of the hardest boxers. They say hand eye coordination, hand speed. Duran. Sugar Ray Leonard, one of the greatest boxer in the history of boxing. Marvin Hagler. Boxer of this era, Floyd Mayweather. He is one of the greatest boxers in the history of boxing, even above Ali, Sugar Ray Robinson. He is credited with for creating most of the technical, most of the offensive action. He is one of the Mexican boxers, Joe Michael Marquez. You see, the speed wall has been. Joe Frazier. Sonny Liston. He was not having that. He started boxing at very low prices. Manny Pacquiao. How they enjoy it? If the thing, your concentration now you see on a wall, your concentration is definitely going to improve because you are looking at the wall. How much speed it may be. Now with this, I am thankful to all. I have tried to explain it in the simplest word, but then also, if there is anything, please excuse me for that. Now, you are most welcome to the questions. I will try my level best to answer all those questions. While improving speed, yeah, what will be the ratio in between magnitude, intensity, work, and rest? And how will be implementing boxing round training? Can you see that? Oh. Yeah. No. Can you see that? Now, when we are talking little poorly about the speed, the best method is the repetition method. The spurt will be very short, and the recovery between the rounds has to be fully, and according to the duration of the rounds. Now, for example, we have one round of 18 seconds. We may arrange it first in the 10 seconds, then we may progress from 10 to 15 seconds, and the recovery has to be complete in between the rounds and in between the rounds also.
जो पॉज होते हैं 10 सेकंड के बाद सेकंड राउंड के लिए जाते हैं, ही शुड बी ऑलमोस्ट फुली रिकवर्ड. अगर 10 सेकंड का राउंड है, द रिकवरी मे बी बिटवीन 20 सेकंड, डबल देन द वर्क. सो इन दिस वे वी कैन अरेंज द सेशन. Or first we can go in the journal in the track, then from there we can go on the punching bag, then ultimately we have to execute the same thing in the complex form. Hamara jo complex form hai wo speed ka ho chahe speed endurance ka ho, that is 3 minute 3 rounds. Kisi bhi halaat ke andar aapne apne boxers ko full 3 minute ke 3 rounds kabal banana hai unke opponent ko, because I have told you earlier it is a comparative statement. Athletes wale 100 meter daud liye kyunki unko 100 meter hai, इसलिए वो बोल देते हैं जेनेटिक है. बट हियर इन बॉक्सिंग व्हाई इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ योर अटैक्स, व्हाई द क्वालिटी ऑफ योर डिफेंस सिलेक्शन, व्हाट द क्वालिटी ऑफ योर काउंटर एक्शन, वी कैन इंप्रूव द स्पीड एज मच एज वी वांट. रामानंद, आई थिंक रामानंद आज आज के क्वेश्चन. आई विल गिव यू वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर हियर. Now all these heavy weight boxers, they have to be mature enough. किस वेट के, क्योंकि लिमिट बहुत ऊपर तक होती है, किस वेट क्लास के अंदर उनके पंचेस की बेस्ट स्पीड है. Now when Ali lost his first bout against Leon Spinks, you know what he told, that I have to lose it. Why? Actually body weight stays around about 96-97. I am 8 kg over when he boxed. The 8 kgs of that fat is an overburden on my mechanism. When I will come to the my actual weight, I will definitely going to. क्योंकि जो 8 किलो का वजन उठाने के लिए मेरे को और एनर्जी पैदा करनी पड़ती है फुटवर्क के अंदर, लैंडिंग ब्लोज के अंदर, उसको मैं उस तरीके से उस क्वालिटी के साथ इंप्लीमेंट नहीं करा. इन द नेक्स्ट रीमैच ही हैज प्रूवन दैट. Why he is called one of the greatest boxer? Next bout ke andar he came to his weight class. You can check it on the net. Both of bouts he boxed in that, and he did not allow him to touch him. Har boxer ke andar during training session you have to bring the enough maturity. Kis weight class ke andar, even in the limit, agar 56 se 60 kg hai, where they have 59.8, 59.9. Some of the boxers they come down more. क्यों भाई, दे विल हैव मोर एनर्जी. नाउ व्हेन यू हैव अ मोर लिमिट, डोंट थिंक अबाउट द लिमिट, यू थिंक वेयर यू हैव योर बेस्ट एक्शन. दैट कैन बी फाइंडेड आउट बाय योरसेल्फ एंड बाय योर कोच इन मोस्ट ऑफ द ट्रेनिंग सेशन. जिस दिन स्पारिंग के अंदर बेस्ट आप खेल रहे हैं, उस दिन की क्वालिटी को वो नोट डाउन करें, एंड लेटर ऑन अगेन व्हाइल लुकिंग एट वन एस्पेक्ट कैन नॉट बी फाइनलाइज. वो हर स्पारिंग सेशन के अंदर इफ यू परफॉर्म इन द सेम वे, दैट हैज टू बी. In the same, when Holyfield lost, he told, "I never look like a mature heavyweight. I am 7 to 9 kg less. I look like a child against him. So when I will come, increasing my body weight, I will look like a mature body weight. So all these things they are above our IBA level. What if possible? By thinking all the coaches as a united, it is a teamwork. It's not me. It is all of you." When you think where your boxer is boxing at his best form, then arrange that one, and then according to that plan that one in the competition. Agar usse zyada hai, aur kai dafa which I have seen you were with me, I think I should not comment. Morning wear diya, we coming sometimes from such a conditioned at home, we never get a juice of that much. Wahan ke 20 glass juice ke pi liye, 3 ghante baad aapka bout hai. What will happen? So what I wanted to say, it may be super heavy or it may be heavy, where his punching speed is the best, that has to be noted during the sparring session, and you have to come jahan uske andar jis level ki fat uski body, you can take the help of anthropometry or nahi to ye Mr. Gopi was with us. Suresh se best example India mein nahi manta, aajkal bhi hai, usne ek dhaga sa hi bandh rakha tha apni kamar pe, uske andar wo de rakhe the gaant. When it is on 33rd, I have more fat. When it comes to 32, I am in the best one. I think you can confirm for those. Agar aapke paas koi scientific method nahi hota, you improvise yourself. Jahan pe aapko guess karna hai, because we are staying in such a country where we have to innovate our own things. That is my answer. That is my solution. Parfali, I have one question. Yeah, we have.
Ravale, you translating to me. I never wanted to get a rifle on me. Okay, I can quote one example from your country only. You know Domenelli Francisco and his bout with Tofilio Stevenson, in which he has beaten. And the next bout, Stevenson has beaten him. Now you know, if you are little heavier, normally heavy, super heavy, sometimes drinks also, they come into play. I can't say, I not comment on this, but it may be depending upon the culture of, the country. Then, I think you remember that about what? I have the We have some more. We have some more questions, but we need to finish the meeting because the Olympic training group coaches, we have to go for the other meeting, including Mr. Sacchetti. So we will continue on Monday. So if there are any questions which were not answered today, we'll answer next time. Okay? Thank you very much, everybody. And those who are in the Olympic training group, you go to the next meeting. Okay, thank you, one and all. Thank you, Mr. Sandhagar, for your kind help.